एग्जाम्पल थर्ड हमारे पास है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन में दो प्रकार की घटनाएं हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, और नंबर सेकंड है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के 36 से नीचे होने पर भी सूर्य दिखाई देता है क्यों। तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे तारों का टिमटिमाना, तारे को टिमटिमाते देखा जाते हैं। तो इसके लिए जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई अर्थ, आसमान में क्या है तारे, पृथ्वी और तारों के बीच में क्या है एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल की बहुत सारे परतें होते हैं। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा वायुमंडल में कई प्रकार की परतें होती हैं, जैसे सबसे नीचे होते हैं चौ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल नहीं ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल एग्जोस्फियर। तो वायुमंडल की परतों में तापमान में परिवर्तन के कारण इनके घनत्व में परिवर्तन होता रहता है, या फिर हल्की भारी गैसों की वजह से इनका जो घनत्व है वो बदलता रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ डेंसर होता जाता है, सघन होता जाता है। हल्की गैसें ऊपर की तरफ होती हैं, भारी गैसें पृथ्वी के नजदीक होती है। तो घनत्व में उतार चढ़ाव की वजह से घनत्व इनका हर क्षण बदलता रहता है, इसलिए सूर्य तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें भी हर क्षण अपनी दिशा बदलती रहती है, और इनकी बदलती हुई डायरेक्शन हमारी आंखों में एंटर करती है। तो रेटिना पर तारों के सूक्ष्म प्रतिबिंब हर क्षण हमारी रेटिना पर पोजीशन बदलते रहते हैं, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बीच में एटमोस्फियर है, आसमान में तारे हैं, वायुमंडल का जो घनत्व है वो तापमान में परिवर्तन की वजह से या हल्की भारी गैसों की वजह से लगातार बदलता रहता है। तो जैसे प्रकाश की किरण, तारे से निकलने वाली प्रकाश की किरण एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, तो क्या होगा, ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। तो यहां हम अभिलंब ड्रा कर देते हैं, अभिलंब खींच दिया। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये किरणें सीधी आगे बढ़ती है, अपवर्तन नहीं होता एटमॉस्फेयर नहीं होता तो, लेकिन विरल से सघन मात्रा में एंटर करेगी वायुमंडल की वजह से, थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जब किरण विरल से सघन में एंटर करती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, बेंड हो जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहां थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुकेगी, ये झुकेगी, यहां तक पहुंचेगी। तो वैसे ही यहां अभिलंब खींच देते हैं, अपवर्तन नहीं होता तो सीधी आगे बढ़ जाती, लेकिन अपवर्तन की वजह से हल्की सी मुड़ेगी, फिर यहां अभिलंब खींच देंगे, अपवर्तन नहीं होता तो सीधी आगे बढ़ जाती, तो अपवर्तन की वजह से झुकेगी अभिलंब की तरफ, फिर ऐसे चलता रहेगा, थोड़ी सी यहां झुकेगी और यहां झुकेगी, यहां से किरणें पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक की आंखों में पहुंचेगी। इस प्रकार हमें तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें बार बार अपवर्तित होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसका सूक्ष्म प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, रेटिना पर उसकी पोजीशन लगातार बदलती रहती है। अब जैसे ये किरण आ रही है लास्ट में, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाने पर ये किरण यहां से आते प्रतीत होगी,
थीटा इसकी अपेरेंट पोजिशन, आभासी स्थिति, इसको हम मान सकते हैं एक्स एक्स डैश। तारे की वास्तविक स्थिति एक्चुअल पोजिशन और तारे की आभासी स्थिति अपेरेंट पोजिशन। अपवर्तन की वजह से हर पल तारे की स्थिति में बदलाव आता रहता है, जिससे हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं दिखाई देते, तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, तारों और पृथ्वी के बीच में दूरी अधिक होने के कारण इन्हें हम बिंदु स्रोत की तरह मान सकते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं प्लैनेट होते हैं वो अपेक्षाकृत पृथ्वी के नजदीक होते हैं, पृथ्वी के नजदीक होने के कारण थोड़े बड़े दिखाई देते हैं और बड़े पिंडों को हम ये मान सकते हैं कि ये अनेक बिंदु स्रोतों से मिलकर बने हुए हैं। तो ग्रह को क्या मान सकते हैं, अनेक बिंदु स्रोतों से मिलकर बना हो, एक बिंदु स्रोत से निकला हुआ प्रकाश उसकी मात्रा में परिवर्तन का जो प्रभाव है दूसरे बिंदु स्रोत से निकले हुए प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन के प्रभाव से कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर सभी बिंदु स्रोतों से जो प्रकाश की मात्रा में औसत परिवर्तन आएगा कुल वो क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए ग्रह हमें टिमटिमाते प्रतीत नहीं होंगे, एक से प्रतीत होंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन का दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षैतिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसको समझने के लिए ये पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एटमॉस्फियर है, वायुमंडल है, पृथ्वी के नजदीक का जो वायुमंडल होता है वो कंपैरिजन में कैसा होता है, सघन माध्यम होता है, डेंसर मीडियम होता है। जितना पृथ्वी से दूर होते जाएंगे माध्यम विरल होता जाएगा, और ये हम खींच देते हैं होरिजन, क्षैतिज। क्षैतिज वो स्थान होता है जहां धरती और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं। तो सूर्य अभी कहां पर है, क्षैतिज से नीचे है, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, क्षैतिज से नीचे है। उदय होने में कुछ टाइम बाकी है, ये सूर्य की क्या है, एक्चुअल पोजीशन है एस। सूर्य से किरणें निकलकर, एक किरण निकली दूसरी किरण निकली, ये कहां एंटर करेंगी, डेंसर मीडियम में एंटर करेंगी, अविलंब खींच दिया, यहां भी अविलंब खींच दिया। तो जैसे ही विरल से सघन में एंटर करेंगी अभिलंब की तरफ झुकेंगी, ये भी अभिलंब की तरफ झुकेगी, पीछे बढ़ाने पर यहां से आती प्रतीत होंगी। डायरेक्शन में चेंजमेंट हो गया, किरणों की दिशा बदल गई, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये किरण यहां से आ रही हो। तो सूर्य हमें यहां प्रतीत होगा, एपेरेंट पोजिशन, आभासी स्थिति। सूर्य है तो क्षैतिज से नीचे, अभी उदय नहीं हुआ है, लेकिन अपवर्तन की वजह से सूर्य 2 मिनट पहले ही उदय हो जाता है। तो वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय में 2 मिनट का अंतर होता है।
सूर्य के उदय होने से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिख जाता है। तो वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय में 2 मिनट का अंतर होता है। इसी प्रकार से जब सूर्य अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता रहता है अपवर्तन के कारण। उसी प्रकार से अस्त होने के बाद किरणें गगन से सागर में एंटर करेंगी, दिशा में परिवर्तन की वजह से ऊपर दिखाई देगा, यानी सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता रहेगा। इस प्रकार वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में 2 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है अपवर्तन के कारण। तो ये रीजन है।